अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाजरीन, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि चोरों को मोर पड़ गए, यानी कि जो खुद चोरी करते थे उनको ही चोरों ने लूट लिया। नाजरीन, आपने मेरी वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा। जी हाँ नाजरीन, ये खबर बिल्कुल सच है और थोड़ी सी अजीब भी है। हम तो आज तक यही सुनते आ रहे थे कि फलां लड़की को फलां लड़के ने अगवा कर लिया। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं हुई कि जब मीडिया पर खबर आई थी कि दुआ जहरा को कराची से कुछ लड़कों ने अगवा कर लिया। नाज़रीन, अब मैं आपको इस वाक़े की मुकम्मल तफसील बताता हूँ। नाज़रीन, लाहौर से तल्लक रखने वाली रज़िया नामी लड़की, जो कि वो एक एजाज नामी लड़के से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़के के माँ बाप नहीं मान रहे थे। एजाज के माँ बाप का कहना था कि हम अपने बेटे एजाज की शादी रज़िया से नहीं करेंगे, लेकिन रज़िया खुद बार बार लड़के के माँ बाप को मुख्तलिफ ज़राए से फोर्स करती है। नाज़रीन, ये भी कितनी अजीब बात है कि एक लड़की लड़के और लड़के के घर वालों को अपनी शादी के लिए कह रही है, फोर्स कर रही है, मना रही है। वरना आज तक तो लड़कों को ही देखा है लड़कियों की खातर अपने हाथों पर ब्लेड मारते हुए। नाज़रीन, जब लड़के के माँ बाप नहीं मानते तो रज़िया एजाज को अगवा कर लेती है। अगवा करने के बाद वो एजाज को नशे के टीके लगवा कर कमरे में बंद कर देती है और फिर निकाह खां को घर में बुलाती है, गवाहों को इकट्ठा करती है और उस लड़के एजाज के साथ ज़बरदस्ती निकाह कर लेती है। नाज़रीन, उधर लड़के के माँ बाप लड़के के घर वाले थाने में जाकर रज़िया के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं कि इस लड़की ने हमारा बेटा अगवा कर लिया है, लिहाजा पुलिस जाए वकूवा पर पहुंचकर लड़की से लड़के को बाजियाब करवा लेती है। नाज़रीन, है ना अजीब केस। अभी इस केस की तफसीलात सामने आना बाकी हैं। 5 अगस्त को अदालत की जानब से रिपोर्ट तलब की गई है। देखते हैं कि इस केस में क्या कुछ सामने आता है। हो सकता है लड़की और लड़का आपस में रिश्तेदार हों, क्योंकि बाहर से आकर कोई भी लड़की ऐसा खतरनाक काम नहीं कर सकती। जैसे ही इस केस में पेशरफ्त होगी, मैं आपको तमाम तफसील से आगाह करूंगा कि लड़की ने ऐसा क्यों किया। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि लड़की ने यह सब कुछ क्यों किया होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।